राजस्थान के दौरे पर मोहन भागवत पहुंचे हैं। 4 दिवसीय दौरा है, 12 के अंदर वे पहुंचे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत राजस्थान के अंदर 4 दिन तक रहेंगे। वहीं दूसरी ओर वह मंत्रियों और अन्य नेताओं से करेंगे इस दौरान मुलाकात। महत्वपूर्ण दौरा मोहन भागवत का है, संघ के प्रमुख हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चाओं का दौर भी जारी है। वहीं दूसरी ओर मोहन भागवत का राजस्थान के अंदर 4 दिन तक रहना एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। वैसे देखा जाए तो संघ की जो सोच है, मोदी से वह 3-4 जो बिंदु है उसको वापस लेना चाहते हैं। देश की सरकार, तमाम मंत्रालय पर मोदी का कब्जा, कहने को तो मंत्री बनाए हुए हैं पर पूरी सरकार PMO से चलती है और संघ ऐसा नहीं चाहता है। बीजेपी पार्टी पर JP नड्डा के सहारे मोदी कब्जा कर बैठे हैं, वो नहीं होना चाहिए ऐसा संघ का मानना है। प्रत्येक राज्य में BJP सरकार ने डम्मी मुख्यमंत्री जो बैठा रखे हैं उन पर मोदी शाह का कब्जा है, कंट्रोल है। संघ नहीं चाहता कि यह अच्छा हो, संघ को गवारा नहीं है, इसलिए यह पावर मोदी के हाथ से संघ जो है वापस लेना चाहता है। और संघ का इसलिए मोहन भागवत का राजस्थान के अंदर 4 दिन का दौरा और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वसुंधरा राजे का जो नाम चल रहा है, कहीं ना कहीं उसी की कड़ी में मोहन भागवत इसका फैसला करने वाले हैं। और हरियाणा चुनाव 5 तारीख को हो जाएगा, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होने की संभावना पूरी लग रही है। और राजस्थान का जो मोहन भागवत दौरा है यह महत्वपूर्ण माना जा रहा है और मोदी शाह की इच्छा के विपरीत संघ के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त करने का पूरा जो फैसला होने जा रहा है लगता यही है। और मोदी शाह के द्वारा जो नाम सुझाए जा रहे हैं उस पर संघ राजी नहीं है, संघ अपने तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त करना चाहता है। देखते हैं 4 दिवसीय मोहन भागवत का दौरा 12 के अंदर है, जो कि वसुंधरा राजे का जो निवास है उससे कुछ दूरी पर है और विधायक भी उस एरिए से है, उनका बेटा सांसद उस एरिए से है। 12 के अंदर 4 दिन तक रहने वाले मोहन भागवत इस अवधि के दौरान क्या कुछ कर पाते हैं, जो तमाम बातें देखने वाली होंगी। सबकी निगाह टिकी हुई है कि राजस्थान के अंदर कहीं मुख्यमंत्री को बदलने के लिए तो मोहन भागवत यहाँ पर चर्चा विचार विमर्श करने के लिए नहीं आ रहे। वहीं दूसरी ओर एक उप मुख्यमंत्री को बदलने की चर्चा भी छिड़ी हुई है। देखते हैं मोहन भागवत 4 दिन के अंदर यहाँ रहकर क्या नई रणनीति के तहत BJP पार्टी में क्या चेंजिंग कर देते हैं। कोलम न्यूज के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।